हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज, इलेक्ट्रीशियन। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं कि कोई भी पंखा भी हो, चाहे टेबल पंखा हो, सीलिंग फ़ैन हो, एग्जॉस्ट फ़ैन हो, कोई सा फ़ैन हो, अगर गंदा हो जाए तो वो कितना भरा नुकसान होता है। तो क्या क्या नुकसान होता है सारा इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लाइक कीजिए। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं टेबल फ़ैन का। जो टेबल देख रहे हैं आप लोग, कितना गंदा हो रहा है, इतना धूल मिट्टी जमा हुआ है। तो इसमें आज आप लोग सफाई करने का तरीका बताएंगे, कैसे सफाई होता है और कैसे एक एक चीज़ खोल के हम सफाई करेंगे इसका। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए, ऊपर का जाल हमने खोल दिया और पंखरी खोल के हटा दिए। पंखरी देख रहे कितना गंदा हो रहा है पंखरी। अब ये भी जो हम दो बैक से पीछे का जाल है, ये भी हम खोलेंगे। इसमें नट बोल्ट से टाइट है, काफ़ी पुराना है, तो इसको देखते हैं कितना साफ़ होता है। सुबह का टाइम है, 7 से 8 बजे का टाइम है, तो हम काम पर जाने से पहले सोचते हैं पर इसको सफाई करेंगे। सारा कुछ एक चीज़ बताएंगे, साथ जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। बिल्कुल आसान है साफ़ करना, और आप लोगों से बस यही विनती है कि मोटर हटा कर तभी सफाई करें। अगर मोटर में हल्का पानी जाने के बाद मोटर ख़राब भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो जाता है मोटर। तो मोटर को पहले खोल कर साइड में कर दें तभी सफाई करें, नहीं तो गीले कपड़े से साफ़ कर दें। अगर मोटर लगी लगा भी साफ़ करते हैं तो गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर सही तरीके से सफाई करना है, धुलाई करना है, तो मोटर को पहले निकाल दें ताकि मोटर के अंदर पानी ना जाए। देख ले, हम मोटर अलग कर रहे हैं। हम तो मोटर अलग कर देंगे तो बिल्कुल हमें सफाई करने में सावधान रहेंगे, आसान तरीक़ा से सफाई हो जाएगा। और आप मोटर हमने अलग कर दिए, देख रहे हम अलग कर दिए भी डब्बे को अलग। इसमें यह क्या, आराम से सरफ के पानी से बढ़िया से धो सकते हैं। देखिए, जाल भी अलग हो गया, हमने एक एक पार्ट को जाल ये मोटर हमने अलग कर दिए हैं। अब मोटर को हम साइड में रख देंगे ताकि पानी के छिट्टे ना पड़ेंगे इसमें। तो अब सफाई कैसे होगा ये भी आप लोग को अभी करके दिखाएंगे। और बिल्कुल आप लोग सफाई कर सकते, देख रहे हैं इसमें सरफ का पानी है, थोड़ा हल्का गर्म पानी कर लीजिए। और एक लोहे के जूने आते हैं जो बर्तन साफ करने होते हैं जूना, और उससे देखिए ऐसा साफ तरीके से निकल रहे हैं। कई होता है कि ज़्यादा दिन का जमा होता है तेल में, जैसे किचन में चलाते हैं तो तेल लग जाता है, तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। थोड़ा गर्म पानी और उसमें सरफ डाल के उसको हल्का 5-10 मिनट छोड़ दें। उसमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें लगें, तो जो प्लास्टिक का चीज़ है, PVC का आइटम है, अगर ज़्यादा ज़ोर से गंदे टूटने का भी डर होता है। देख रहे कितना गंद निकल रहा है इसमें से, और बिल्कुल हल्के हाथ से सफाई करें ताकि टूटने से बचे, जो बहुत नाजुक चीज़ होता है ये जाली। बिल्कुल हल्के हाथ से सफाई करना चाहिए। और सारा कुछ इसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे सफाई एक एक चीज़ कर रहे हैं। हम आप लोगों के वीडियो बनाने का तरीका यही है कि कहीं भी हम जाते हैं काम करने तो देखते हैं कितना गंदा होता है, और मोटर जाम हो जाता है, जल जाता है, फिर मिस्त्री के पास जाता है तो 1500 रुपये लग जाता है, या तो फिर नया मोटर लगाना पड़ता है। ये आप लोग इसी तरह आप लोग सफाई कर सकते हैं, ऐसे वीडियो बना, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि हाँ कोई चाहिए पंखा भी आप साफ कर सकते हैं, लेकिन मोटर हटाए, मोटर बचा के, क्योंकि मोटर के अंदर पानी गया तो ख़राब हो सकता है। देखिए, हम साफ कर दिए, अब इसमें पानी से हल्का हल्का छिटके ना रहेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर साफ तो पहले हो गया था, बस हल्का हल्का पानी मारने पर देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का पानी मार रहे हैं, बिल्कुल साफ़ हो गया।
बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल देख रहे हैं कितना गंदा पड़ा था, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा साफ सुथरा पंखा से हफ्ते में महीने में साफ करें। ये मेरे अक्सर 2-3 साल हो गया था ऐसे रखा हुआ था, इसलिए आज सोचते हैं चलो इसको सफाई करके हम देखते हैं कितना देर में सफाई होता है और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे साफ आसान से साफ होता है। कोई 5-10 मिनट मेहनत करना होता है बस, और 5-10 मिनट में अगर 1,500 रुपये बच जाए तो क्या बुरा बात है। तो इसलिए साफ़ सुथरा करना घर का काम के लिए अगर 5-10 मिनट टाइम निकाल दे तो इससे बढ़िया बात क्या होगा, ताकि 500-1,000 रुपये बच जाए मिस्त्री जब मिस्त्री के पास जाने, गर्मी का मौसम है अगर अचानक मोटर ख़राब हो जाए तो कितना दिक्कत परेशानी होता है। चाहे कोई सा भी कूलर हो या पंखा हो, एग्जॉस्ट फैन हो, चाहे कोई सा भी पंखा हो, तो उसको बीच बीच में सफाई करना चाहिए था। देख ले सफाई कर दिए, उसका फिटिंग तैयार हो गया, देख रहे हैं लग रहा है वही पंखा है, कितना साफ सुथरा हो गया है, उसको फिटिंग करते हैं हम शाम के टाइम आए हैं फिटिंग करने के लिए, 4-5 बजे टाइम है, लाइट नहीं है इसलिए आप लोगों को अंधेरा सा लग रहा होगा। वही पंखा है आप लोगों जो शुरू से हम देख रहे थे कितना गंदा पड़ा है, और आप लोग भी सफाई कर सकते हैं इसे। कोई भी पंखा लाइए, चाहे सस्ता लाइए महंगा लाइए, उसको सफाई करना जरूरी होता है। जब तक सफाई नहीं की जाएगी कितने दिन चल जाएगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, उसके बाद मोटर तो जाम हो गया बस बंद हो जाएगा, तो कितना परेशानी होगा। इसमें हमारे मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, 5-10 मिनट लगा होगा इसको जिनको साफ कर दिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि चैनल आप लोग का सपोर्ट से चलता है। पर्दा लगा हुआ था, पर्दा नहीं अंधेरा सा हो रहा होगा, आप लोगों का देखने में परेशानी होता होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पंखा कैसे साफ करते हैं वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंधेरा सा लग रहा हो क्योंकि लाइट नहीं है, आधे घंटा ऐसा लाइट कटा हुआ है। लगा रहे हमें नीचे पहुंच जाता, तो अंधेरा ऐसा परेशानी हो रहा है, लेकिन आप लोग तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा मानते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो जब लाइट होगी तभी बनाएंगे। बाहर से हवा चल रहा है, तो हमारे चैनल पे सारे जितने भी बिजली काम का है वो सारा कुछ मिलता है, और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए आप लोग। ताकि आप लोग सब्सक्राइब जो भी बनेगा आप लोग तक पहुँचेगा,